दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने हैदराबाद को बुरी तरह से रौंद कर रख दिया, लेकिन जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना और केदार जाधव के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए साबित कर दिया कि धोनी को इसीलिए क्रिकेट जगत का सबसे सफल कप्तान कहा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको केदार जाधव और धोनी के उस पूरे मोमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केदार जाधव की भारतीय टीम में वापसी कराई जानी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 23वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद का पहला विकेट जॉनी बेयरस्टो के रूप में गिरा। सैम करन ने बेयरस्टो को 7 रन के गेंद पर दीपक चहर के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेविड वार्नर ने 57 रनों की पारी खेली और नगीदी की गेंद पर आउट हो गए। वहीं मनीष पांडे भी 61 रन बनाकर नगीदी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद केन विलियमसन ने 26 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि केदार जाधव अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों पर चौका लगाया और जबकि अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर भी बेहद ही लंबा गगनचुंबी छक्का लगाया और नाबाद 4 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार रही थी। सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी कर दी। राशिद खान की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 44 रन बनाकर आउट हुए। राशिद खान ने मोइन अली को 15 रन के स्कोर पर केदार जाधव के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके बाद फाफ डुप्लेसिस को 56 रन के स्कोर पर LBW आउट करके तीसरा झटका दे दिया। इसके बाद सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी। जीत के बाद सुरेश रैना केदार जाधव के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि सुरेश रैना केदार जाधव को उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बधाई दे रहे हों। और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान पर आ गए और जाधव से बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि MS धोनी ने केदार जाधव के साथ काफी लंबी बातचीत करी। वैसे तो धोनी IPL में युवा खिलाड़ियों से लेकर सीनियर खिलाड़ियों तक सभी को अक्सर टिप्स देते हुए नजर आते हैं और आज यहां केदार जाधव को टिप्स देते हुए नजर आए, क्योंकि आपको बता दें कि केदार जाधव लंबे अरसे से टीम से बाहर चल रहे हैं और ऐसे में धोनी ने अपनी महानता दिखाते हुए केदार जाधव के साथ बातचीत करी और उनके साथ अपना अनुभव साझा किया। सुरेश रैना ने भी केदार जाधव को सहानुभूति देते हुए जाधव को टिप्स दिए, लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी केदार जाधव के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, केदार जाधव के रिएक्शंस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय टीम में जगह न पाने की वजह से काफी ज्यादा निराश दिख रहे थे, लेकिन धोनी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी सहानुभूति और टिप्स दे दी। आप किस तरह अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम में अपनी जगह बना सकते हैं? लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में केदार जाधव को भारतीय टीम में खिलाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।